खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद की तहसील तांदरियावाला से। हमारे एमडी पंजाब सैयद मुरातब अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तांदरियावाला आमद सरदार सलीम हैदर शहादत खान बलोच की रहायशगाह पर पहुंचे, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब ने शहरियों के मसाइल सुने और उनको हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था, हम अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में कमी आ रही है, हुकूमत की कोशिश है जितना मुमकिन हो सके अवाम को रिलीफ दिया जाए। इस मौके पर सरदार सलीम हैदर तांदरियावाला शहर में यूनिवर्सिटी के क्याम का वादा किया। साबक मिनिस्टर रहीला बलोच, साबक MNA राना फारूक, साबक MPA राय शाहजहां, उम्मीदवार बराए MNA नदीम खान बलोच, सैयद मुरातब अली शाह मेंबर अमन कमेटी, SP इकबाल टाउन फैसलाबाद, मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, MD पंजाब फरमान न्यूज, नंबरदार इकबाल खान बलोच, सदर PP राना नईम, अली रजा मजीद खान, बाबर खान, असलम खान और दीगर अवाम इलाका की अहम शख्सियात इस मौका पर मौजूद थे, जबकि गवर्नर पंजाब के लिए बेहतरीन दावत का भी एहतमाम किया गया था।